एक टांग की मुर्गी है तैयार। सब बोलते हैं कि अरे इतना जल्दी चोखा रेडी कैसा जाए, अरे चोखा लिट्टी बनाने में बहुत टाइम लगता है भैया, ऐसा चोखा लिट्टी नहीं बन जाता है। टमाटर भूजने जा रहा हूँ अभी, ये किसके ऊपर भूज रहे हो अंकल? ये सिकड़ी के ऊपर देखो भूजा जा रहा है टमाटर। गरम कर देंगे मार के, ये बैगन अभी इसको भी भूजेंगे हम। सिगड़ी के ऊपर पकाए जाते हैं ये टमाटर और भाटे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ये रेडी होने के बाद। आपके सामने देखिए पूरा टमाटर पक चुका है। आपके सामने ये एक टांग की मुर्गी इसको बोलते हैं, एक टांग की मुर्गी। हाँ एक टांग की मुर्गी है ये, देखिए कैसे इसको भूज रहा हूँ सिकरी को। एक टांग की मुर्गी है तैयार, एक टांग की मुर्गी तैयार हो गई है। टांग की मुर्गी है, इसको मैं छिलूंगा, इसको छिलते हुए छिलूंगा मैं, अभी आपको दिखाऊंगा। एक और एक टांग की मुर्गी, ये देखो ये दो टांग की मुर्गी, इसको देखिए इसको छीला जाता है। तो भैया की स्टाइल देखिए आप, कितने फास्ट काटते हैं टमाटर अंदर ये। सब बोलते हैं कि अरे इतना जल्दी चोखा रेडी कैसा जाए, अरे चोखा लिट्टी बनाने में बहुत टाइम लगता है भैया, ऐसा चोखा लिट्टी नहीं बन जाता है बनाने के लिए। देखिए आपसे आए हैं ना, कब से वीडियो बना रहे हैं, देखिए आप बैगन टमाटर वमाटर सब काट दिया हूँ, सामने ये पूरा रेडी सब कुछ डाल चुके हैं चोखे के अंदर। और भैया आप इसे पूरे अच्छे तरीके से मिक्स करने जा रहे हैं, एकदम पीस दिया जाता है इसे हाथों से। ये देखिए ये मेरा भैया है, ये सब मेरे बाजू वाला वड़ा पाव वाले हैं, सब देखो भाई लोग आके यहाँ खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ये लोग को बहुत टेस्ट मिलता है। हम कोई भी काम करता हूँ पब्लिक के सामने करता हूँ। ये हमारा चोखा तैयार हो चुका है, अब कटने जा रहा हूँ इसके फवरी में, सत्तू के अंदर। हाँ सत्तू के अंदर भी थोड़ा धनिया डाल दिया जाता है। ये देखो ये है जवाइन, इसमें डाल रहा हूँ, इसके बाद इसमें भी थोड़ा डाल दो, नमक साइड आ चुका हूँ, इसमें नमक डाल रहा हूँ। ये कौन सा ऑयल है? ये राई का तेल बोलते हैं, राई का प्योर तेल है। हाँ देखिए राई का तेल, ये राई का तेल डाला, इसके बाद इसमें डालता हूँ। क्यों आटा एकदम नरम रहे इसलिए राई का तेल यूज करते हैं। थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालते हैं, क्यों सत्तू जिसको बोलते हैं, सत्तू की ये फफरी बना रहा हूँ, ये फफरी बना रहा हूँ जिसमें लिट्टी में पड़ता है। सत्तू किस चीज का बनता है? ये प्योर चने का है, प्योर चने का आटे से बनता है। प्योर ये चने का आटा है, ये ओके कर दिया, देखो ये बन के तैयार, ये सब कुछ तैयार। मैं आटा सानने जाएंगे, सबको आटे में पानी मिलाता है, मैं पानी में आटा मिलाता हूँ। अच्छा हमारा काम सब यहीं पे है, पूरी दुनिया को दिखाता हूँ कैसा दे बनता है। मैं घर से कुछ भी बना के लेके नहीं आता। सब बोलते हैं कह रहे लिट्टी चोखा तो बहुत आसान है, अभी आटा लगाने में हमारा हालात टाइट हो गया है। देखो भाई आपके सामने एक दो किलो आटा लगाने में हाँफने लगता है, 6 किलो आटा लगा रहा हूँ देखो आपके सामने। अभी हमारे आदत बन चुकी है, रेडी हो गया है आटा, आटा रेडी।
आटा रेडी है। इसको बोलते हैं चटनी। कौन सी चटनी है ये? ये टमाटर धनिया मिर्ची अदरक लहसुन का मिक्स वेज। देखिए ये लिट्टी होने के बाद ऑटोमेटिक फटने चालू हो जाएगी, हमको फाड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए आपके सामने ये देखिए, नंबर भी डलवा दो ना। देखिए अभी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जो हमारा देखो वीडियो बनाने आए हैं उनको हम अभी लिट्टी चोखा खिलाएंगे, इसके बाद खाने के बाद टेस्ट बताएंगे कि कैसा टेस्ट है। हीरा पाना एलेवल सेंटर, उसके नीचे क्या नाम बोलते भैया इसको? एलेवल। हाँ जो भी है हमारे पीछे देखिए कांच का बिल्डिंग है। देखिए आपको मैं अभी दे रहा हूँ लिट्टी चोखा, इसके बाद खाइए, इसके बाद स्वाद लीजिए, देखिए कैसा स्वाद है। देखिए आपको सामने दे दिया हूँ। काफी अच्छा टेस्ट है दोस्तों, कभी भी आप अंधेरी वेस्ट में आएंगे तो उसी बारे में जरूर ट्राई कीजिएगा लिट्टी चोखा। ये